वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। और उसी रात जब मीन उठती है तो वे चुमैन से माफ़ी मांगती है कि उसने उस पर बिलीव नहीं किया पहले, और ये भी कहती है कि उसे इस सुई पर बिलीव नहीं करना चाहिए था। और चुमैन अट्रैक्टिव वे में स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और उसे भी इन सब बातों पर और ध्यान नहीं देना चाहिए, और ये सब जो भी मैंने किया वे बस तुम्हारे लिए किया माय स्वीट हार्ट। फिर चुमैन मीन के पास बैठकर उसे गले लगाकर कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत चेरिस करता हूँ और तुमको अब किसी भी बात का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूँगा, ठीक है। अब तुम अच्छे से रेडी होकर बाहर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। फिर जब मीन रेडी होकर बाहर आती है तो वो फिर देखती है कि चुमैन एक कैंडल लाइट डिनर का इंतज़ाम किए हैं, और ये सब देखकर मीन तो बहुत खुश होती है। फिर चुमैन मीन को फ्लावर बुके भी देते हैं। चुमैन फिर मीन के थोड़ा बॉसी टाइप का बिहेव कर रहे होते हैं मीन के पास, और मीन सोच रही होती है कि चुमैन आज फिर से कोई अलग पर्सन लग रहा है। फिर वे डिनर इंजॉय करते हुए करते हैं, तब मीन पूछती है कि तुम्हारा असिस्टेंट यहाँ पर नहीं है, क्या वे डिनर नहीं करेगा। तब चुमैन अपना खाना छोड़कर उससे कहते हैं कि तुम उस नौकर के बारे में क्यों पूछ रही हो, भला वे हमारे साथ क्यों ही ये नाश्ता और डिनर करेगा, तो उसके बारे में क्यों सोच रही हो भला, और तुमने मेरे सामने किसी और दूसरे आदमी का नाम कैसे ले लिया, तुम मुझे नहीं जानती हो अच्छे से, क्या मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे बहुत ख़राब लगा कि अगर तुमने मेरे सामने किसी और आदमी का नाम लिया तो। मीन कहती है, आखिर तुमको हो क्या गया है चुमैन, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो और बात कर रहे हो। चुमैन फिर कहते हैं, क्या तुम डर गई, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था बस। और फिर वे दोनों अपना डिनर इंजॉय करते हैं, और अगले दिन मीन मायो को फ़ोन पर बोल रही होती है कि इस बार चुमैन यांद्रे मोड में आया है और वे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बन चुका है, और मेरे से बहुत अच्छे से बात भी करता है और बहुत सारी प्यारी प्यारी बात भी करता है, और कल रात हमने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया, और इस मेरे लिए आइडियल बॉयफ्रेंड बन चुका है। और उसी रात जब मीन सो रही होती है तब चुमैन मीन का ये डिज़ाइनर ड्राफ्ट लेकर वहाँ से और उसे जला देते हैं फिर, और फिर उसके बाद और पागल की तरह हंस रहे होते हैं। तब वहाँ असिस्टेंट आते हैं और वे चुमैन से कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, कि वे हार्डवर्क थी जो आपने इस तरह से उसे जला दिया, उन्हें पता जब चलेगा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा कि आपने ऐसा हरकत किया है। तब चुमैन उससे कहते हैं, अगर तुमने उसे कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा, और अगर तुम्हारा उसके सामने मुँह खुला तो मैं तुम्हारा मुँह हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। और अगली सुबह जब चुमैन मीन के लिए एक सॉन्ग प्ले कर रहे होते हैं तब वहाँ पर असिस्टेंट ली आते हैं और वे ट्राई भी करते हैं मीन को बताने का, पर चुमैन के कारण वे बोल नहीं पाते हैं, और मीन इनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि असिस्टेंट चुमैन से इतना डर क्यों रहे हैं भला। फिर वे चुमैन से भी इसके बारे में पूछती हैं कि आखिर असिस्टेंट ली को तो हो क्या गया, वे थोड़ा अजीब टाइप का बिहेव कर रहे हैं, तुमको कुछ पता भी है। और यहाँ ऑफिस में जोलिन आई हुई होती है और वहाँ के एम्प्लॉय को अपने कंपनी में चलने के लिए बोल रही होती है, और इसी तरह कंपनी के आधे लोग तो जॉब छोड़कर और चले जाते हैं वहाँ से, और कंपनी अच्छे से अब चल नहीं रही होती है। और इधर चुमैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि कंपनी किस हालात में है अभी, और वे मीन से कहते हैं, इस कंपनी को तो बंद करना ही था और मैंने वे कर भी दिया। फिर मीन गुस्से में कहती है, ठीक है तुमको जो करना है वे करो, वो पर तुम ये भी सुन लो कि मैं अपनी एबिलिटी से एक नई जॉब ले सकती हूँ। फिर चुमैन कहते हैं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, मेरे परमिशन के बिना तुम इस घर से जा भी नहीं सकती हो। मीन कहती है, चुमैन आखिर तुम अपने पुराने सेल्फ में फिर से वापस आ गए ना। चुमैन कहते हैं, तुम अपना ये रेडिकुलस ड्रीम इन डिज़ाइनर बनने का तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये सपना तुम्हारा कभी भी पूरा नहीं होगा। तब मीन इन इमोल्ड होते हुए कहती है, मेरा ड्रीम इन रेडिकुलस है,
तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्हें बोलते हुए जरा सा शर्म नहीं आता है कि कोई अपने ड्रीम के लिए इतना मेहनत करता है, तुम उसके ड्रीम का इस तरह से मजाक बना रहे हो? तुम खुद ही बोल रहे थे कि उन्हें उसका ड्राफ्ट ये जला दिया है। चूमेन जब ये बोलते हैं कि उन्होंने उसका ड्राफ्ट जला दिया है, तब तो मीन ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर सकते हो, और वे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर मीन अपनी दोस्त को कॉल लगा रही होती है, पर वे कॉल भी नहीं लग रहा होता है, और वहाँ पर और चूमेन आते हैं और उनके हाथ से उनका फ़ोन ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से भागने का ट्राई कर रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, और हमने एक साथ इतने अच्छे टाइम बिताया है, तब भी तुमको खुश नहीं हो, अब तुमको क्या चाहिए भला? और मीन का गला और पकड़ के पागल की तरह कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और अब तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मुझसे दूर जाना चाहती हो। और मीन इन भागने का ट्राई भी करती है, तभी ये उन्हें भागने नहीं देते हैं और फिर ये उसे वहाँ रूम में बंद कर देते हैं चूमेन। और उसी रात में जब उसके लिए डिनर लाते हैं और मीन इन फिर जब वे डिनर खाने से मना कर देती है, तब वे ज़बरदस्ती उसे खिला रहे होते हैं और ये भी कहते हैं कि कैसे नहीं खाओगी, तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा। फिर मीन गुस्से में उसे एक चाटा मारती है और कहती है, क्या तुम सही में पागल हो गए हो चूमेन? फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर असिस्टेंट ली आते हैं, तब मीन उन्हें अंदर करके कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मुझे यहाँ से जाने में? क्यों देख नहीं रहे हो कि तुम्हारा बॉस इतना स्केरी, इतना डरावना बन चुका है? तब असिस्टेंट ली कहते हैं, हाँ आप सही बोल रही हैं। फिर मीन उन्हें हेल्प के लिए हाँ बोल देते हैं, और ली जैसे ही हाँ बोलते हैं वैसे ही वहाँ पर चूमेन भी आ जाते हैं। फिर चूमेन ली को सुना रहे होते हैं कि तुम कैसे मुझे धोखा दे सकते हो, तुम मेरे एक नौकर हो, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत रखते हो अपने पास, ये मुझे मौका तुम्हें देकर मैंने गलती कर दी है। और वे मीन के तरफ अब क्या कहते हैं बढ़ने लगते हैं, पर मीन ये मौका देकर वहाँ से भाग जाती है और असिस्टेंट ली चूमेन को रोकने की भी ट्राई करते हैं, पर ये चूमेन उसे मारकर उसे मीन के पीछे भाग रहे होते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ तक ही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट करोगे, जल्दी ही वापस आ जाएगा। थैंक यू।